जिले भर में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का पर्व। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठे हर गांव। रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ जिला मुख्यालय सहित जिले भर में मनाया गया। कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं शुक्रवारी चौक स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर परिसर में भगवान रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। दोपहर में हवन पूजन के बाद शाम करीब 5 बजे से गांधी चौक से विशाल श्री राम भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जो काली चौक से बरघाटना का गणेश मंदिर होते हुए गांधी चौक शुक्रवारी होते हुए नेहरू रोड से गिरजाकुंड दुर्गा चौक मठ मंदिर तालाब से होते हुए छिंदवाड़ा चौक गणेश मंदिर महावीर मढ़िया शंकर मढ़िया नगर पालिका चौक से होते हुए फिर नेहरू रोड से गांधी चौक श्री राम मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में स्वर्णकार समाज की महिलाएं भी विशेष वेशभूषा में शामिल हुई। स्वर्णकार समाज धर्मशाला में पीली साड़ी पहनकर समाज की महिलाएं एकत्रित हुई। वहीं समाज के पुरुष भी कुर्ता पैजामा पहनकर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने के कारण शोभा यात्रा करीब 3 किलोमीटर लंबी रही। शोभा यात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं छोटे बच्चे भी भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी की वेशभूषा में शामिल हुए। इसके अलावा शुक्रवारी चौक पर सजाए गए श्री राम दरबार की प्रतिमाएं भी शोभा यात्रा में शामिल रही। जीवंत व प्रतिमाओं की झांकी श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र बनी रही। तो वहीं सिवनी जिले के धनौरा, लखनादौन, केवलारी, घनसौर, छपारा, बरघाट, पुरई विकास खंड में भी शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, मनमोहक झांकियां बनाई गई। तो वहीं धार्मिक गीतों में राम भक्तों ने जमकर नृत्य करते हुए रामनवमी का पर्व बड़े ही उत्साह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया।